बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। भंडारा जिले का सबसे प्रसिद्ध गणपति गणेशपुर का राजा, इसका जो सफर रहा है ये 10-12 दिन का, वो किस तरह से रहा है यह हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं कि गणेश चतुर्थी के पहले किस तरह से जो गणेशपुर का राजा उसका डेकोरेशन किया गया है और ये लाइटिंग की गई है और ये किस तरह से उसके मंडप की तैयारी चल रही है वो देख सकते हैं। इस तरह से ये जो गणेश चतुर्थी के पहले जो गणेशपुर का राजा है उसके आगमन की तैयारी की गई है। यहाँ जो देखने लायक होगी उड़ीसा का प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथपुरी का मंदिर, उसकी ये प्रतिकृति यहाँ जो गणेशपुर का राजा है उसके मंडप की, और यहाँ जो ये है और गणेश चतुर्थी के पहले यहाँ जो गणेश जी की मूर्ति है, जो गणेशपुर के राजा की मूर्ति है वो लाई गई है। गणेश चतुर्थी के दिन लाना जाता है, ये दिन पहले ही ये गणेश जी की मूर्ति है के राजा की, तो वो जा रहे हैं जिला परिषद चौक से किस तरह से लेके जा रहे हैं देख सकते हैं। जो लाइटिंग थी से ले जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे गणेशपुर का गणपति चौक है और जहाँ गणेशपुर के राजा का मंडप बनाया हुआ है वहाँ पर गए हैं। ये वक्त आया कि गणेशपुर का सिद्ध है तो उसका जो लाइटिंग की गई है तो वो किस तरह से की गई है, तो ये हम ये देख सकते हैं। चौक से के पहले गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले इसकी टेस्टिंग की गई है, तो वो किस तरह से ये लाइटिंग की गई दिख रही है देख सकते हैं। ये देख सकते हैं नज़ारा जो गणेश चतुर्थी के दिन ये पूरी लाइटिंग किस तरह से दिख रही है, ये टेस्टिंग चल रही है यहाँ पर ये देख सकते हैं। वहाँ बीच में गणेश चतुर्थी के दिन लाइटिंग का काम सब लोग राह देख रहे थे, गणेशपुर का जो राजा है जो प्रसिद्ध गणपति है तो उसकी मूर्ति किस तरह से बनाई गई है और का जो भव्य डेकोरेशन है वो किस तरह से है देख रहे थे। तो इस तरह से ये जो गणेशपुर राजा का जो मंडप है जगन्नाथपुरी के प्रसिद्ध मंदिर की प्रतिकृति में बनाया गया है वो देख सकते हैं। और गणेश चतुर्थी के दिन लोग सभी राह देख रहे हैं जो गणेश जो गणेशपुर के राजा का मंडप है, जो गणपति की मूर्ति है किस रूप में दर्शन होने वाले हैं, तो ये आई है इस साल वो सभी देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेहमान आने वाले हैं ये जो चतुर्थी के दिन जो गणपति का जो दर्शन करने वाले हैं के लिए कौन कौन मेहमान आ रहे हैं, तो ये सब ये मेहमानों की राह देख रहे हैं। तो ये भंडारा जिले के कलेक्टर है, आगमन हुआ है इनॉग्रेशन के लिए, भंडारा जिले के कलेक्टर है, उनको आमंत्रित किया गया है देख सकते हैं। उसके साथ ही भंडारा जिले के जो एसपी है उनको भी यहाँ आमंत्रित किया गया है, उनका भी आगमन हुआ है देख सकते हैं। यहाँ पर आए हैं और उनका स्वागत किया गया है। इसके साथ ही अभी जो भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के खासदार है शांत पडोड़े, उनका भी आगमन हुआ है, उनका भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। गणेशपुर का राजा है, भंडारा जिले का प्रसिद्ध गणपति, इनॉग्रेशन के लिए चतुर्थी के दिन लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है और लोग जो मूर्ति है किस तरह से इनॉग्रेशन करेंगे आगे देखते हैं। देख सकते हैं उनके स्वागत में किस तरह से ये जो पिरामिड बनाया गया है और ये झंडा फड़काया गया है, ये देख सकते हैं। अभी भंडारा जिले के कलेक्टर है प्रेशन कर रहे हैं,
इन्होंने माइग्रेशन किया है गणेश जी की मूर्ति का। ये देख सकते हैं किस तरह का दृश्य है, किस तरह से गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर जो गणेशपुर का है, भंडारा जिले का प्रसिद्ध गणपति है, वो किस तरह से मूर्ति है ये देख सकते हैं। जो तीनों यहाँ पर आमंत्रित मेहमान है यहाँ गणेश जी की आरती की गई है और पूजा अर्चा की गई है, इस तरह से दर्शन हुआ है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से गणेश चतुर्थी के दिन जो गणेशपुर का प्रसिद्ध गणपति है, गणेशपुर का राजा, उनका यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है। और इस दिन से जो गणपति के 10 दिन है इसकी शुरुआत हुई है। तो ये जो भंडारा राजीव गांधी चौक से किस तरह से ये लाइटिंग की गई है गणेशपुर के राजा की, ये है जिला परिषद यहाँ पर दिन जो पूरी लाइटिंग है वो शुरू की गई है और किस तरह से यहाँ पर दिख रहा है ये देख सकते हैं। और जो दूसरे दिन है गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन यहाँ जमकर बारिश हुई है, और ये बारिश के वक्त किस तरह ये लाइटिंग दिख रही है और किस तरह का माहौल है यहाँ पर देख सकते हैं। बारिश की वजह से लोग यहाँ पर जो हमेशा आते हैं तो उससे कम ही दिख रहे हैं। यहाँ रास्ता किस तरह से सन पड़ा हुआ है ये देख सकते हैं, बहुत कम लोग आ रहे हैं। ये गणेश चतुर्थी के बाद दूसरा दिन है, यहाँ पर बारिश थोड़ी रुकी है तो गणेशपुर की तरह लायक है, नहीं रुकी थी। और उसके बाद यहाँ का माहौल देख सकते हैं, लोग यहाँ पर आ नहीं पाए हैं। और उसके बाद जो यहाँ भंडारा में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ ये 3-4 दिनों तक चला, 3-4 दिन बारिश लगातार होती रही और भंडारा शहर में उसके आजू बाजू के गांव में यहाँ पर जो बाढ़ आई थी उस वजह से भी लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। तो यहाँ पर इस तरह का माहौल यह देख सकते हैं, लोग बहुत कम दिख रहे हैं। लाइटिंग का बॉल 4-5 दिन के बाद जो बारिश थमी तो उसके बाद यहाँ किस तरह का माहौल है, यहाँ पर जो गणेशपुर के राजा के दर्शन के लिए लोग किस तरह से उमड़ पड़े हैं ये देख सकते हैं। शनिवार का दिन है और शनिवार भी यहाँ पर जो भीड़ उमड़ पड़ी है भंडारा लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, इस तरह से पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो और यहाँ पर जो गणेश जी के दर्शन के लिए किस तरह से यहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगी है ये देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ जो ये दिन यहाँ पर जो शनिवार के दिन जो यहाँ की भीड़ लगी उसके बाद जो ये सिलसिला शुरू हुआ वो ये थमने का नाम ही नहीं लिया। रविवार के दिन जो शनिवार को जितने लोग आए थे उससे डबल लोग गणेशपुर का राजा है उसके दर्शन के लिए आए थे। और यहाँ पर लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, इतने लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पर भी दुकान खाली नहीं दिख रहा था, सभी दुकानों के जो यहाँ पर स्टॉल लगे हैं सभी स्टॉलों पर लोगों की भीड़ थी और यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं था। जिला परिषद चौक से लेकर यहाँ गणपति चौक तक जहाँ गणेश जी का मंडप है और जो गणेशपुर के राजा की स्थापना की गई वहाँ तक करीबन घंटे से ऊपर यहाँ तक आने के लिए लगता था, लोगों की भीड़ थी। इस तरह से यहाँ पर जो खच प्रोसेस भरा था वो संडे का दिन था, उसके बाद भी लोगों की जो भीड़ आनी शुरू रही जो रविवार के दिन थोड़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद फिर कम होते गए, लेकिन लोगों का आना जाना नहीं हुआ क्योंकि बारिश रुक गई थी, लोग यहाँ पर टूट पड़े थे। और बारिश के जो 4-5 दिन गए तो वो उसकी कसर पूरे बाकी के दिन ने निकल ली थी। और लोगों यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, इस तरह से ये सभी ये शनिवार की भीड़ है।
जिला परिषद, यहाँ देख सकते हैं लोग किस तरह से यहाँ पर बढ़ पड़े हैं। गणेश जी का जो गणेशपुर के राजा का जो यहाँ सफर रहा है 10 दिन का, बहुत ही शानदार रहा है। शुरुआत के कुछ जो दिन थे वैसे ही बारिश में गए हैं, लेकिन उसके बाद जो लोगों भीड़ आई और जो लोग उमड़ पड़े तो उसका भंडारा झीले में किसी भी गणपति के पास भीड़ नहीं देख सकते। भंडारा झीले के गांव है वो रविवार के दिन और उसके बाद सोमवार छुट्टी का दिन था, उस दिन भी जो गाँव जो ट्रैक्टर लेके आ रहा था तो कोई ऑटो से आ रहा था तो कोई अपनी अपनी जो वाहन है वो से आ रहा था। तो यहाँ के जो भी ऑफिसेस है, जिला परिषद है और जो भी उस रोड पर ऑफिसेस है, उसकी सभी पार्किंग खोल दी गई थी। और जो बाजू का जो मंगल पांडे वार्ड है वहाँ तक गाड़ियाँ रखी गई थी। और उसके बाद जो गणेशपुर गांव है तो ग्राम पंचायत जो गणेशपुर की ग्राम पंचायत है वहाँ तक ने गाड़ियाँ पार्क की थी, लोगों को पार्किंग के लिए जगह नहीं थी। और उधर भंडारा में आगे जो साई मंदिर है वहाँ तक लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की थी। तो इस तरह की जो रविवार को भीड़ थी वो इसके पहले अभी देखी नहीं गई थी। तो इस तरह से ये जो गणेशपुर के राजा का जो दिन का सफ़र रहा तो इस तरह से बहुत ही धमाकेदार रहा। और जो रोज़ आते थे जो गणेश जी के जो गणेशपुर के राजा के दर्शन के लिए आते थे तो वो जो लैंड जो मीना बाज़ार लगा है वहाँ पर भी जाते थे। तो वहाँ पर भी लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, इतनी वहाँ पर भीड़ थी। तो इस तरह से ये गणेशपुर के राजा का सफर रहा है जो कि भंडारा जिले का सबसे प्रसिद्ध गणपति है। और अभी उसके विसर्जन का दिन, उसका विसर्जन 21 तारीख को होने वाला है, तो वो भी बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि भंडारा जिले का सबसे प्रसिद्ध गणपति है गणेशपुर का राजा। तो उसका विसर्जन भी बहुत ही धमाकेदार होता है। ये विसर्जन किस तरह से होगा और कैसे होगा तो इसके वीडियोज भी हम हमारे चैनल पर दिखाने वाले हैं। ये देख सकते हैं ये जो उसके पहले का जो है, जो विसर्जन के पहले का जो आखिरी दिन है उसका, ये देख सकते हैं ये जो विसर्जन के पहले का जो आखिरी दिन है यानी उसके पहले के जो 2 दिन का ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से लोग फिर भी जो 10 दिन हो गए और बहुत से गणपति का विसर्जन हो चुका है लेकिन फिर भी गणेशपुर के राजा के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर वैसी भीड़ है कि जो बाकी गणपति जो देखने के लिए रहती थी उससे ज़्यादा इसकी इसमें लोग आ रहे हैं गणपति के दर्शन के लिए। तो इस तरह से ये गणेशपुर के राजा का 10 दिन ज़्यादा का जो सफ़र रहा है मैं देखा है, इस तरह से गणेशपुर के राजा के दर्शन के लिए आए हैं और किस तरह से यहाँ जो लोगों से पूरा जो परिसर है वो लोगों से खचाखच भरा ये भी आपने देखा है। तो इसी तरह का जो माहौल गणेशपुर का प्रसिद्ध गणपति है गणेशपुर का राजा तो इसके विसर्जन के लिए रहेगा, ये भी मत देखना मत भूलिए। और ये देखने के लिए आप बीडी न्यूज हिंदी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको जो आगे आने वाले वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि जो ये गणेशपुर का प्रसिद्ध गणपति है गणेशपुर का राजा तो इसकी चर्चा पूरे जिले में ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में हो सके। तो गणेशपुर के राजा का विसर्जन है उसकी वीडियो आगे आने वाले वीडियो में देखते रहिए। बीडीवी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल।
हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।